कितना पता चल गया होगा कौन से रैंक में है हम, अगर किया हो तो। और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है, अपने असली रूप को भूल गए, सिवा सवालों पे सवाला, वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? वह पूछ रहे। फिर कहा, जगत माता, आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। सिर्फ युगल जो होते हैं, जो युगल युगल पति पत्नी क्या मैं दोनों को ऐसे बहुत बढ़िया मधुबन में होती है, हमने देखी है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जब वो आते हैं ना, तो उसी हिसाब से फिर एक तरह से ज्ञान की जो क्लासेस होती है उसी आधार पे जैसे होती है। तो हम माताएं थी बाबा के साथ, रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। मतलब तो जहां भी जो कुछ आप कर रहे हो माता हो ठीक है, लेकिन क्या बनना है अभी? जगत माता, हाँ जी, जगत माता। जगत माता, ये हर एक के लिए है। हाँ, सिर्फ माताओं के लिए है, हर एक को जगत माता बनना है, हर एक को। ठीक है, माता बनने बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है, वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस से वर्षा तो है ही, कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है। ऐसे तो अलग 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 कैटेगरी। वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस से वर्षा तो है ही, कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है? वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो, अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर करते ही रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ ही गया है भाई, बाकी क्या रह गया है? जो जो नहीं पढ़ रहे हैं सामने मुरली, वो बताओ कौन सी एक धारणा भी रह गई है? बाबा ने कहा, चलो सारा ज्ञान पता चल गया तुमको, सारी पढ़ाई तो होती रहती है अपने घर में, रोज रोज मुरली होती है, हाँ सेवा केंद्रों पर बाबा ने जो बुलाया है, अभी एक चीज रह गई है। क्या रह गया है मूर्ति भाई? बोलो। हाँ जी बोलो। पवित्रता में कमी। पवित्रता में कमी है, राइट? और बोलो। अशरीरी निराकारी अवस्था में कमी है। निराकारी याद, अवस्था, याद राइट। में और कमी, याद याद नहीं है पूरी। बाबा ने जो कहा है उसको करने में अभी कमी है। याद नहीं है, बाबा ने कहा, राइट। बाकी क्या रह गया है? अब नष्टो मोहा बनना है। देखो भाई, अभी एक काम करेंगे, आत्मिक स्थिति के साथ साथ ना ये एक पॉइंट थोड़ा सा ऐड करो, मैं नष्टो मोहा आत्मा, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। और ये बीमारी जो है मोह की बीमारी, ये एक की नहीं, ये A to Z सबकी बीमारी है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा या ज्यादा। तो अब ये साथ में जोड़ेंगे, मैं आत्मा हूं, नहीं, मैं नष्ट मोह आत्मा हूं। बिल्कुल, आपको पता है ना, सारे जैसे आज मैं आज ना मैं अपने वीजा के लिए गई थी यहाँ पे, फिर से बहुत सारे अच्छी अच्छी घटनाएं घटी। खैर एक, लेकिन बहुत सारी परीक्षा के बाद बहुत सारी अच्छी घटनाएं घटी, वो मैं बाद में बताऊंगी अभी नहीं। तो उसमें भी जैसे मैं क्लास सुन रही थी, यहाँ पे वेट करते करते दादी गुलजार की क्लास सुन रही थी, दादी गुलजार के बारे में अनुभव बता रहे थे कुछ दीदियां। तो पुष्पा दीदी है एक दिल्ली की, जहाँ पे गुलजार दादी रहती थी। असल में दादी गुलजार आपको पता है, दिल्ली की दादी है,
दिल्ली जोन की हेड थी, तो वहीं पे बहुत साल रही है, हम भी दादी से मिले हैं पांडव भवन, जो दिल्ली में भी एक पांडव भवन है वहां पे। तो जब हम दादी से मिले थे और हमने भी कोर्स पूरा जब जितना भी देखा, हमने भी बात चेक दादी ने ऑफिस की, लेकिन पुष्पा दीदी बता रही थी कि दादी की सबसे ज्यादा जैसे ही ना एक बहुत डिटैच अवस्था थी, हमेशा डिटैच, एकदम डिटैच। डिटैच मतलब ये नहीं पागल बन गए, बोलते उनको हर चीज का पता भी रहता था जो हमें भी नहीं पता रहता था, और ऐसा नहीं कि जैसे कि जैसे कहते ना बिल्कुल ही पागल बन गए भाई, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या, हम तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं, अलर्ट अंदर से लेकिन डिटैच एकदम। उन्होंने कहा कि दादी का हमेशा बोलती थी एकाग्रता के लिए भी, ऐसे एकाग्रता की बात ऐसे मेरे मन में आई सुनाने की, कि जैसे हमारी आदत नहीं होती, मैं भी क्लास में आपको बता नहीं बोलती थी हमेशा ये बात की ध्यान है हार्मनी हाउस, बड़े हार्मनी हाउस शीशे का जो शीशे की पूरी दीवार थी ना, कोई भी जाता था क्लास में 20 लोग हैं, 20 में से 29 लोग बाहर देखते थे, कौन है भाई, याद है, याद है गुजरा जमाना पूरा याद है, बहुत बढ़िया योग होता था बिल्कुल शीशे कौन जा रहा है, कौन जा रही है। तो इसी में वो बोलती थी दादी गुलजार बोलती थी कि भाई जब क्लास में सब बैठे हैं, क्लास चल रही है, आपका फोकस कहाँ है अजी का डायलॉग याद आ रहा है मुझे भी, कि पूरा फायदा उठाते कि नहीं जैसे कि मतलब सचो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और ऐसा नहीं कि हम सब में उतना फोकस, उस समय बाबा जी कहते हैं कि ये योगी है कि डोंगी है कुछ भी गुजर जाएगा, बिल्ली दरवाजा खोल देते हल्का सा, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं अंदर आ रही है, मतलब जितने भी लोगों की प्याऊं प्याऊं बिल्ली की म्याऊं म्याऊं कुछ तो अंदर आई आता ही था सदा। अभी तो बाबा सोचते हैं सारे क्या जो भी है, इसीलिए कि गुलजार दादी बोलती थी कि अगर इतने लोग बैठे हैं क्लास में 100-200 वहां तो बेहद की चीजें होती है ना, भारत में तो आपको पता ऐसे गिनती का नहीं होता, अगर कुछ 100-200 लोग क्लास में है, 2-3 आए नए लोग, नए मतलब बैठने के लिए, कम से कम 50-60 लोग क्लास में देख रहे हैं, अरे अच्छा ये अभी आए, अच्छा अरे क्लास चल रही है ना, भगवान की क्लास चल रही है, मतलब उसका कोई तुम्हें इज्जत नहीं, उस बात की कुछ नहीं, और बाबा की मुरली ना झोड़ रही, कौन आया इसको देखते हैं, मुझे अंदर में सचमुच में मुझे एक्चुअली आना नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा आता था एक्चुअली इन बातों को देख के, खुद के ऊपर भी नॉट किसी और पे, खुद पे मैंने कहा हाँ मेरे पे तो ध्यान जा रहा है ना, क्या इज्जत है, क्या समझा है फिर हमने, मतलब एक एक बात है कि आप बिल्कुल कोई बात, लेकिन जबरदस्ती खुद को रोकना, हाँ मन कर रहा है देखो मत देखो ना, नहीं ना ऐसे ट्रेनिंग तो ऐसे दी जाती है ना, नहीं उस समय देखने की जो गुजर रहा है उसको देखने की इच्छा तो नहीं होती थी, लेकिन जो देख रहे हैं उनको देखना तो पता है एग्जैक्टली में ना कुछ भी मतलब बा चाहे तो किसी भी कारण से हम मुरली से जिससे हमारा ध्यान, हाँ बिल्कुल ट्रू, तो वही ना वो फोकस वो अटेंशन वो डिटैच्ड अवस्था एक तरह साक्षी जिसे कहते हैं साक्षी कि नहीं बिल्कुल जा रहे आ रहे अरे, और मुझे ध्यान है कि जैसे जब मैं नई नई जैसे सेंटर पे आई थी, नए सेंटर मतलब नॉट भाद्रगढ़ कुवैत सेंटर पे, तो कई बार जैसे कोई लोग बात कर रहे हैं आपस में, भाई हम तो नए नए में पता ही नहीं चल रहा है कौन सी बात क्या हो रही है, हाँ कोई पुसर पुसर कर रहा है वहां है ऐसे, नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फिर मैंने अपने आप को समझाया, ऐसा नहीं कि हम डिस्टर्ब नहीं होते थे कुछ भी, लेकिन मैंने खुद को समझाया एक दिन ये बात, मैंने कहा देखो अगर कोई चीज जरूरी हुई तुमको पता करने के लिए, मतलब तुम्हारे लिए जाननी जरूरी है, वो तुम्हें बता दी जाएगी,
बाकी कूड़ा कचड़ा में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अरे भाई ये बात बिल्कुल ठीक है ना कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसका मतलब मेरे लिए नहीं है जरूरी ना, तभी तो मेरे पास नहीं पहुंच रही वो बात, राइट। जैसे कि मान लो प्रेम जी शर्मा जी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, भाई मेरे को जरूरी नहीं है ना वो जानना, मैं थोड़ी खुद खुद के पूछू, बताओ जरा बताओ क्या बोल रहे थे आपको, अभी क्लास के बाद एक बात अगर मुझसे संबंध अगर मुझसे संबंधित वो बात होगी तो जरूर मेरे तक पहुंचा दी जाएगी ना। तो मुझे ध्यान है आते ये शुरुआत के एक दो हफ्ते कि मैं आपको बता रही हूँ कुवैत में जब मैं आई मैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया है और बहुत लोग हैं, ऐसे नहीं कि बहुत कम लोग, उस समय बहुत और भी लोग थे, कई लोग थे उस समय, वीएनी भी थी, एक दूसरी बहन थी निक्की भी थी, फिर उसके अलावा आने जाने वाले आपको पता है बहुत थे, कई लोग क्लास में उस समय आते थे, सिर्फ एक ही क्लास होती थी इंग्लिश क्लास, उसमें एक सुरेश भाई भी थे, आई डोंट नो कौन जानता है सुरेश भाई, एक थे थोड़े बुजुर्ग से, एक थोड़े यंग से सुरेश नाग थे, थोड़े बुजुर्ग से सुरेश भाई थे, दो दो प्रकार के सुरेश भाई थे। अच्छा राइट, और इस तरह से ना और भी कई लोग थे, और ये भारत भाई था एक जो मोना का, एक बाद में प्रकाश, कई लोग आते थे उस समय, बहुत लोग थे मतलब, और खास बात यह है कि उनमें से बहुत ही कम लोग हैं इस समय आज वो जो उस समय थे, तो उस समय मतलब अलग तरह का कुछ था माहौल जो भी था, लेकिन एक चीज जो है ना कि नहीं जाना पचड़े में, नहीं पड़ना ज्यादा चीजों में, तो उस चीज ने भी बचा के रखा कहीं ना कहीं हमें व्यर्थ से। खैर अब बाबा कह रहे हैं नष्टो मोहा बनना, मतलब उस चीज में भी मोह नहीं, बताना जरा क्या है ये भी, एक डिटैच साक्षी फोकस नष्टो मोहा, ये सारे ना बहुत कनेक्टेड है आपस में। हाँ नष्टो मोहा भी तब बनेगी जब की सच्ची स्नेही होगी, जैसे कोई भी चीज को आग है तो जो भी थोड़े आसुरी गुण लोक मर्यादाएं हैं, क्या कहेंगे लोग, कर्म बंधन की रस्सियां ममता के धागे जो बंधे हुए हैं उन सबको जलाना है। क्या क्या है, आसुरी गुण लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे, ये सारी बात जो खींच रही है नीचे, इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से ये सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है, इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो, पूछ रहे बाबा, जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है। देखो किस चीज को जलाना है उसको ना बिल्कुल फोकस अटेंशन के साथ उसको एकदम ना अपने मन में लाके जला दो अच्छी तरह से, एक चीज जो आपको जलानी है अमृत वेला या शाम में या दिन में या चलते या फिरते या फिर आप अटेंशन के साथ एक हफ्ता पूरा उस चीज पे लगाओ, एक 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 चीज की एक दिन की बात नहीं है, कोई भी अपना ऐसा अवगुण जो या बुराई या कमी कमजोरी डर भय मोह या जो कुछ है, हाँ तो क्या करना है उसको जो खत्म हो गया मतलब जो जल गई खत्म हो, देखने में नहीं आती ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है, बताओ भाई है हिम्मत बोलो बिल्कुल है, पर कोशिश तो करे बिना कुछ नहीं होता। हिम्मत है बच्चे बच्चे मद से खुदा, वाह 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 बहुत बढ़िया भाई सही बोला। तो कोई लाइन मुझे तो बहुत अच्छी लगी, जो चीज जल जाती है वो खत्म हो जाती है, एक एक बुराई को लेकर के ना ऐसे विजुअलाइज करो, ये बुराई स्वाहा खत्म, ये बुराई ये कमी स्वाहा, तो ऐसा परिवर्तन आने की हिम्मत आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है,
आपकी यादगार का आधार किस बात पर है, ये है ना आज की मुरली का टॉपिक। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है, आपकी सॉरी जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है। क्या बोला? जितनी जितनी जितनी, जितनी याद उतनी यादगार याद है उतनी उतनी सबकी यादगार है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर सबकी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा, ऐसे कच्चा पक्का। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है। हरेक के विशेष गुण पर हरेक का ध्यान जाना चाहिए, गुणों को देखना है, गुण गुणग्राही दृष्टि बनानी है ना अपनी, खुद को जैसे खुद का बेस्ट वर्जन, जैसे दुनिया में बड़ा ट्रेंड कहते हैं वो बेस्ट वर्जन, बेस्ट वर्जन। अरे भैया तुम्हारा बेस्ट वर्जन तभी बनेगा सिर्फ जब दूसरों में गुण 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 नजर आएंगे, नहीं तो औरों से कचरा इकट्ठा करते रहेंगे दिन रात, फिर कहाँ का बेस्ट वर्जन ना। तो हर एक को इतनी अच्छी बात लगी मुझे, हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। अगर किसी की अच्छाई भी हमें नजर नहीं आ रही है तो अपने में कुछ प्रॉब्लम बहुत बड़ी, अपने ईगो में अहंकार की भयानक किस्म की प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छाई किसी में नजर नहीं आ रही है तो ऐसा तो कोई है नहीं ना कि भाई, मैं कहीं पर ना जैसे यहाँ से कहीं जा रही थी कुछ कर रही थी, मैंने कहा दुनिया में भी एक एक इंसान छोटा बच्चा इधर उधर जो ऐसे जैसे हम देखते हैं कि भाई ऐसे पढ़े लिखे टाइप नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे आत्मा तो हर एक में बहुत गुण है ना, देखने सीखने कितना कुछ है। हाँ सिर्फ पढ़े लिखे किताबों के पीएचडी डिग्री लेने से थोड़ी वो कागज इकट्ठा करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन चलते फिरते देखते इंसानों का हर एक आत्मा परम धाम से आई हुई है, हर एक भगवान की बच्ची है, तो हर एक में कुछ ना कुछ ऐसे गुण है। जैसे आज मैं जैसे गई थी ना यहाँ पे इमिग्रेशन, जब ऑफिस में जाती हूँ तो ज्यादातर क्या जाए तीन ऐसे बने हुए बड़े बड़े फ्लोर, तो तीसरे फ्लोर पे हम जाते जहाँ पे नॉन अरब्स के लिए जैसे है, सबसे नीचे अरब के लिए, फिर पता नहीं क्या है, फिर ऊपर हम जाते हैं तो उसमें भी ना बहुत सारे वो भी मिलते हैं यहाँ के सुडान और ये सब, 90% तो वही लोग भरे रहते हैं यहाँ के ना, उनको बहुत इजिली एंट्री मिल जाती है ना यहाँ पे साउथ अफ्रीका ये वाले। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो बाबा के बच्चे जो है, ये भी बाबा के बच्चों के हिसाब से मैं उनको देख रही हूँ, इनमें क्या क्या अच्छाई है। मैं बैठ के मैं मतलब ना तो मैं उनको जानती हूँ, छोटे छोटे लड़के से हैं कुछ भी ऐसे, तो मैंने कहा देखो आराम से बैठे हो, इनमें भी कितने सारे गुण हैं, इनमें भी ये सब ना, मैं सोच रही थी आज अचानक से थॉट आया बैठे बैठे वहां पे कि हर एक में गुण तो है, हर एक में गुण है, क्योंकि हर कोई जैसे भगवान का बच्चा है ना हर कोई। जैसे कि अब जैसे कि बेशक चाहे कोई इंसान कैसे भी तरीके से कर रहा हो, जैसे कि आज मैं अभी जैसे वॉशरूम से मैं निकल रही थी बाहर, तो वो जो क्या नाम है जो वहाँ पे लेडीज तो होते, वो मुझे ऐसे टिश्यू विशू देने आई बाद, मैंने कभी नहीं नहीं थैंक यू मतलब मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा यूज नहीं करना, लेकिन वो आई तो ये तो अच्छी बात है राइट। पीछे पीछे आई मेरी बात तक देने के लिए, बेशक उसको मेरे से कुछ चाहिए होगा नो प्रॉब्लम, मुझे वो देखना ही नहीं है, लेकिन वो चीज देखनी है, देखो आई। और आपने आपको पता है रोबिन शर्मा जो है उसको मैं फॉलो करती हूँ, आपको पता है उसका यूट्यूब से मैंने शुरू किया था कभी देखना, और उसके बाद फिर अभी मैंने उसके इंस्टाग्राम पे भी मैं उसको सुनती हूँ कभी कभी, जब मेरा इंटरनेट काम करता है तो मैं उसको नहीं करता खैर, लेकिन उसमें मैंने देखा वो कह रहा था कि जब मैं साउथ अफ्रीका पता नहीं कहाँ गया, तो कहता है मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा इम्प्रेस जो किसने मुझे किया, तो मेरे जब मैं एयरपोर्ट पे जब था तो मेरे जो वॉशरूम में जो एक भाई था जो वहां पे सफाई कर रहा था कुछ कर रहा था, कहता है उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ कि जो भी काम करो परफेक्शन के साथ, बेस्ट बेस्ट अपना उसने दे दिया, उसने उसको लगा कि इतना अच्छा तो कोई देखा ही नहीं मैंने आज तक, मतलब बहुत दिल से उसकी तारीफ वो करा था। कहता दूसरा नंबर का मुझे अच्छा लगा मेरे टैक्सी ड्राइवर,
इतना प्यार से बात कर रहा है मुझसे, इतनी खुशी खुशी लेके जा रहा है मुझे, तो मेरा तो दिन बन गया। ऐसे ऐसे नहीं बस बड़े बड़े डिग्रियों वालों का हमें इंतजार है, उनकी हम अच्छाई देखेंगे, नहीं। हर एक को, हर एक में क्या कहा बाबा ने, गुण, हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे, हाँ आप सबके गुण मान लो मुझ में आ जाए, हाँ तो क्या होगा, मेरे तो मजे हो जाएंगे। वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे, सर्व गुण संपन्न। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो। ये लो, समझ गए कितनी अच्छी चीज है। वैसे तो आत्मा को देख रहे हैं बड़े बड़े, अच्छा आप देख रहे हो, हाँ सुमन जी आत्मा है, राकेश जी आत्मा है, अच्छे से बात, ओके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो एक एक चीज हो गई। अगला, जब कर्म में साथ साथ आते हैं तो हर एक के गुण को देखो, ठीक है, घर गृहस्थी में, नौकरी में, इसमें उसमें, तो आत्मा आत्मा तो ठीक है, उसके गुण देख के फिर काम करो साथ में, देखो फिर क्या मजे आते हैं। तो फिर और बातें भूल जाएंगी, गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है, चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ भी संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं, तो चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है, निष्ठिकता के साथ साथ रोशनी, रोशनी भी तो देता है ना, समझा, शीतलता तो है ये, लेकिन साथ साथ रोशनी भी है। सिर्फ ऐसा नहीं, सूरज में क्या है, गर्मी है, रोशनी भी है लेकिन गर्मी है ना। बाबा ने क्या कहा, शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। अच्छा, अब विदाई, तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद देखते अगला कुछ करते हैं क्या। 5 मिनट रिवाइज करो भाई, चलो क्या सुना, तो आगे दौड़ पीछे छोड़ना हो जाएगा यहीं पे। जब लगन की अग्नि होगी तभी ही गुणों को ग्रहण कर सकोगे और याद में भी और याद के हिसाब से ही यादगार बनेगा, जितनी याद उतनी अच्छी यादगार। बिल्कुल, जितनी याद, जितनी जितनी याद उतनी हमारी यादगार। और बोलो, मैं नष्टो मोह आत्मा हूँ, कर्म बंधन की रस्सियां स्नेह की अग्नि में जला देनी है। कर्म बंधन की रस्सियां, भगवान ने कहा अपने अवगुणों को एक एक करके तिलांजलि दो, एक एक करके चलाते जाओ। वो चीज जल जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो स्वाहा। बिल्कुल स्वाहा, बिल्कुल सही। कल का, एक मिनट सॉरी, ये कल का अशोक जी को भेजना था ना, अभी भेजा नहीं इन्होंने लगता है, क्या भेजा है, भेजा है सॉरी, मेरा इंटरनेट की हालत है। ओके गुड, बहुत अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। पर आज का कितनी प्यारी मुरली है, आज का कौन भेजेगा, गुण ग्राही बनेगा तो आप खुद ही सर्वगुण संपन्न। हाँ जी, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, आपकी शक्ल तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, सॉरी मेरा इंटरनेट बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है। और आपका नाम, शुक्र है नाम सबका समझ में आ रहा है, नाम सबका पढ़ने में आ रहा है, हाँ, और शक्ल किसी एक भी नजर नहीं आ रही। हाँ,
बहुत बढ़िया अग्रवाल जी, इस मुरली का आप सार भेजना। हाँ बिल्कुल हम दे दें। ठीक है जी, बहुत अच्छा। ओके जी, और क्या सुना, एक दो पॉइंट बताओ फिर अगला पढ़ते हैं। कहा हरे का गुण धारण करोगे तो बन जाओगे सर्व गुण संपन्न। ये बहुत अच्छी बात है सच में। कैसे बाबा ने बताया कि अभी याद, जितनी जितनी याद करेंगे इतने ही यादगार बनेंगे, इतना ही यादगार बनेंगे। राइट, जितना जितना याद उतना। हाँ जी बोलो मूर्ति भाई। याद से आप परिवर्तन करने गए तो आपको हिम्मत है, बाबा पूछा एक बुराई तो परिवर्तन हिम्मत ऐसी चाहिए कि वो खत्म हो जाए बिल्कुल। नष्टो मोहा, राइट, ये भी तो था ना। अभी बनेगी ओके, चलो अगला पढ़ते हैं। यस स्नेह, क्या कहा, नष्टो मोहा कब बनेंगे, जब सच्ची स्नेही होंगी और उस स्नेह के जो आग है उसमें कोई भी चीज डालेंगे वो परिवर्तन होगी। ओके जी, बाबा आए 15 सितंबर को, उसके बाद बाबा आए 18 सितंबर 1969। ये मुरली है दो पेज की, मुझे लगता है कर लेते हैं इसको भी खत्म, समय है अपने पास अभी। और आप तो तीव्र पुरुषार्थी लोग, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हो आप। ओके, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने की युक्तियां। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनने की, किसको देखते हो, आकार को देखते व अव्यक्त को देखते। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। कितना अच्छी एक एक चीज ऐसी लाइन बाबा ने मार रहा है डायलॉग। अगर अपनी व औरों की अपना शरीर उसका शरीर, ये ऐसा मैं वैसा, अगर अपनी व औरों की आकृति को ना देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे, समझा। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो, आकृति देख के तो विकारों के तो एकदम गढ़ में घुस गए। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो, आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। आकृति जो है, फॉर्म जो है, शरीर जो है, उसके अंदर जो आकर्षण मूर्त, आकर्षण रूप कौन है, आत्मा। आत्मा, आत्मा जी, आत्मा है, आत्मा गुण है। बाबा हमारी प्रैक्टिस वैसे करा रहे हैं, आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों से आकर्षण होगा। तो अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। देखो भाई, हिंट दे रही हूं मैं आपको, ये भी है 10 पॉइंट जो मैंने बोला है कल का होमवर्क, 10 पॉइंट आत्मिक स्थिति के जो लिख के लाने हैं सबको, और सबकी नोटबुक चेक होगी। हाँ जैसे होते हैं ना, एक ही बच्चा खड़ा रहता है मैडम चेक करती है ऐसे ऐसे। हाँ तो ये देखो मूर्ति भाई को बहुत हंसी आ रही है आपकी सबसे पहले चलूंगी, आपका तो यहाँ पर डेमो दिखाऊंगी सबको, यहाँ पे आपको सजा दे के और जो भी हाथ ऊपर करवाऊंगी सबको डेमो दिखाऊंगी सबको। मैं वो गंडा भी ना, हां मैं
कम होगा तो हाथ में पड़ेगा डंडा। जलेबी जलेबी लैंग्वेज। और फिर ऐसे जलेबी जलेबी वाली लैंग्वेज। कौन सी वाली जलेबी? मार्च उनके मूर्ति भाई के तो आनंद है, कुछ भी लिखवा रहे हैं आप, क्या समझोगे? पूछू क्या लिख रहे? अरे इतनी हिंदी पढ़ते रहते हैं कि मुझे ना क्रॉस करते हिंदी में, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा। रहते दिन कम मत समझना इनको। ओके आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं आप कुछ भी लिख दोगे आपको मुझे ठीक करना पड़ेगा कि आपकी जलेबी लैंग्वेज में आप कुछ भी लिखोगे ना। जलेबी लैंग्वेज तो जो लिखे हैं उसका आकृति मत देखिए। आकृति उसमें मैं आकर्षण को देखूंगी मैं। एग्जैक्टली उनका भाव देखिए। शुरुआत बढ़िया एग्जांपल है बस आप। बिल्कुल अंदर आकर्षण देखने से क्या होता है? देखो सब अपने आप को बचाने के क्या क्या कर रहे हैं। आकर्षण देखने से आकर्षण हम आकर्षण मूर्त। चलो भाई बहुत अच्छा। नहीं रियली मैं इतनी अच्छी पॉइंट है। प्लीज बाबा के ऐसे बच्चे बन के दिखाओ बाबा को कि बाबा को आप पे नाज हो। जो बात बाबा ने कही आकृति को ना देख, इसे ना आदत पड़ जाए हर एक को देख। जैसे घर में आप हो, जैसे प्रेम जी शर्मा जी आप अपने घर में आपकी बेटी है, आपके आपकी नाती है, जो भी है, हाँ सब है, एकदम देख रहे हैं। लेकिन आत्मा एकदम आत्मा दिखी अंदर से। हाँ क्लियर हुआ आत्मा। आदत पड़ जैसे अभी मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँ, जैसे मूर्ति भाई तो है आत्मा है। फिर मैं नीचे जाती हूँ कभी वॉक पे तो वो एक गेट पे जैसे वो भाई है उसकी ड्यूटी वो बैठा रहता है, जैसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग जो भी बोलती है हमारी सदा, मैं भी उसमें आत्मा देख के चलूंगी आज से ऐसे करूंगी ना ऐसे से। अपने आप को होमवर्क देना है ना कैसे, तो यही है तो कैसे करेंगे। नहीं आत्मा जो मैं कह रही मतलब एक्सपीरियंस से बता रही कि आत्मा देखे उसके जो गुण को देखे उसको उसको बताए तो उससे उसका बहुत सम्मान बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल वो नंबर वन बात है। इट्स बोथ आर कनेक्टेड इन द सेंस गुण जो चीज है वो बाहर नहीं है वो आत्मा ही में ही है। तो जब गुण का आत्मा को ही हम ध्यान रखेंगे अपने आप ही गुण ही दर्शन आएगा, गुण ही दिखाई देगा। जब इन्होंने जैसे राइट कनेक्टेड है जैसे कि प्रेम जी ने बोला ना कि और उसको बताएं कि आप में ये गुण है तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको पता नहीं रहता लोगों को हमारे अंदर गुण भी है। नहीं पता रहता। मैं बताऊंगी एग्जांपल। नहीं ये बहुत अच्छी बात है। चलो इस मुरली को पूरा नहीं करेंगे हम, बस 5 मिनट में पूरा कर देते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं हमें भागने की। जी बहुत इम्पोर्टेंट बात है तो उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको और अगली बार करेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये ऐसे भागने की नहीं। तो क्या कहा कि अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है कि आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। जैसे कहा ना आत्मा आत्मिक स्थिति क्या है, क्षमा स्टेज है, एग्जैक्टली वही है। आप आकर्षण मूर्त बनोगे। तो अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। व्यक्त में क्यों आ जाते, उसका कारण क्या है? अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता फिर व्यक्त में आते क्यों? व्यक्त में आने से तो व्यक्त में क्यों आते? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है? मतलब सारे फायदे तुमको जब अव्यक्त अवस्था में होते हैं तो फिर अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों हो जाती है तुमको? व्यक्त में जल्दी आ जाते, अव्यक्त में मुश्किल से टिकते हैं, इसका कारण क्या है? भूल जाते हैं। बाबा ने कहा भूलते भी क्यों है?
देहाभिमान क्यों आ जाता है मालूम भी है, जानते भी हो, अनुभव भी किया है कि व्यक्त में और अव्यक्त में अंतर क्या है, नुकसान फायदा क्या है, ये सब मालूम है। जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो, क्या कहते हो? हाँ, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में घूम रहे, योग में बैठे, चलो सोल कॉन्शियस में बैठते तो क्या कहते हो खुद को? बात तो बड़ी सहज है, जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है। सबने बताया होगा कि बाबा हम अपने को आत्मा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं जब योग में बैठते हैं, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है, जो देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है, उस खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है, होता है तो ना चाहते हुए भी खींच जाते हैं। अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई चीज ना चाहते हुए भी उसको खींचती है, और आपको उस चीज से दूर उसे करना है तो क्या करेंगे? वहां तो उनको दूर ले जाएंगे या बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो आकर्षण ना कर सके। बस ये तक पढ़ेंगे ज्यादा नहीं। अरे रे 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 पता है ना आपको जब रे रे रे। अरे बीच में यही तो है, बाबा ने जब बोले कि बीच में कुछ लाना है, बाबा को ही लाना है। कोई इंसान को तो लाना नहीं है, याद लाना है। ग्रेप्स आर सावर, यस ग्रेप्स आर सावर। चलो ओके, या राइट, बिल्कुल या ओके। वन सेकेंड एक मिनट, चलो इस टॉपिक को पूरा कर ही लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, क्योंकि एक सेकेंड कहाँ गया। जैसे बाबा कह रहे बोलते हैं ना कि जैसे मान लो तुम्हारे किसी इंसान कभी भी किसी को जब आप ज्ञान सुना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारी बातें बाबा बोलते हैं, तो बीच में बाबा को ले आओ, बाबा को ले आओ। बाबा जब प्योरिटी की बात करते हैं, बाबा कहते हैं दोनों के बीच में बाबा को ले आओ, ठीक है? और आज क्या कहा, आकर्षण कर रहे हैं ना शरीर, बीच में बाबा को ले आओ, ठीक है? ओके, कहाँ गया वो? ओके, तो बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो वो आकर्षण ना कर सके। यह दो तरह से होता है, या तो दूर कर देना है, कोई दूर दूर हो जाओ फिजिकल रूप से, या दोनों के बीच में ऐसी चीज डाल देंगे जो वो दूर हो जाते। इसी प्रकार ये देह अभिमान या व्यक्त भाव जो है, यह भी चुंबक के माफिक ना चाहते हुए फिर भी आ जाते हैं, तो बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है, जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो। एक ही शब्द है, स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। जब संयम को भूलते हो तो स्वयं को भी भूलते, सर्वशक्तिमान को भी भूलते। अलबेलेपन के संस्कार भी क्यों आते? कोई न कोई संयम को भूलते हो। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। अगर संयम की कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिमान से मिलन में कमी है। तो संयम क्या है? नियम असल में, ठीक है? संयम का मतलब एक कंट्रोल होता है ना, खुद पे कंट्रोल। संयम धारणा ही है, संयम आसान नियम धारणा है, कंट्रोल वही संयम। अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिवान से मिलन में कमी है। तो बीच की जो बात है वह संयम है, मतलब संयम नहीं है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, नियम नहीं है कुछ लाइफ में, तो स्वयं और सर्वशक्तिवान से मिलन की कमी है। तो कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तो ये याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है
तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। ये देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है, अगर बीच में ये संयम नियम रख दो कि तो ये देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए तीन बातें ध्यान में रखो। ओके, इसके लिए अब चलो संयम जो है वो तीन बातें याद रखो। ये बातें असल में स्वयं की याद, संयम और समय। स्वयं की याद में कौन हूँ, कौन सा समय चल रहा है, और इस समय में संयम की बेहद आवश्यकता है। स्वयं, संयम, समय, बस। ओम शांति, ओम शांति।